हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेटा बॉलिस्टिक पेंडुलम। एंड बॉलिस्टिक पेंडुलम इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल। और इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल। तो बॉलिस्टिक पेंडुलम से बेटा आप उस बुलेट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं जो किसी राइफल से फायर की गई है। ये फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल। ओके, तो बॉलिस्टिक पेंडुलम होता क्या है? बॉलिस्टिक पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एंड इज अटैच्ड विद लाइट स्प्रिंग टू अ रिजिड सपोर्ट। ये दो लाइट स्प्रिंग है जिसकी हेल्प से इस ब्लॉक को सस्पेंड किया गया है। ठीक है, और ये जो बुलेट है जो किसी राइफल से फायर करेगी, तो बेटा ये बुलेट इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर जाएगी बेटा, और इस ब्लॉक को कुछ हाइट तक लेकर जाएगी। तो ये जो सिस्टम बनेगा, जैसे ये बुलेट इसके साथ अटैच होगी, इस सिस्टम का टोटल मास हो जाएगा m प्लस m, और वो सिस्टम जो है वो कैपिटल v स्पीड से मूव करेगा ऐसे, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है इसलिए मूव कर रहा है। और h हाइट तक ये जो स्प्रिंग है ये राइज करेगा h हाइट तक, ऐसे जब ये जाएगा तो h हमने लिखा है कि h वो फाइनाइट हाइट है हमारी जहां तक ये ब्लॉक राइज करेगा। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जिससे हम इस बुलेट की स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा एग्जांपल है बेटा, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का, जैसे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमने पढ़ा था न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इंपैक्ट में, कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद या कोलिजन के टाइम पे दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ स्टिक होती है, और कोलिजन के बाद वो कॉमन वी वेलोसिटी से मूव करती है। तो उसी पर बेस्ड है हमारा ये बॉलिस्टिक पेंडुलम। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मीनिंग है लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन के हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास है m और बुलेट की स्पीड है v, प्लस ये जो ब्लॉक है इसका मास है कैपिटल m और इसकी स्पीड है जीरो, क्योंकि रेस्ट में है। कोलिजन के बाद क्या होगा? दोनों का जो मास है, ये दोनों बॉडी स्टिक हो गई बेटा, सो मास इज m प्लस कैपिटल m, और ये कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रही है। आपको यहाँ से स्मॉल v कैलकुलेट करना है, सो स्मॉल v इक्वल टू m प्लस कैपिटल m इनटू v ओवर स्मॉल m। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है जो कि आई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। अब इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में कैपिटल m तो इस ब्लॉक का मास है, और स्मॉल m, ये भी स्मॉल m और ये भी स्मॉल m, ये बुलेट का मास है। ये इनिशियली हमें गिवन होंगे, इन दोनों की वैल्यू हमें पहले से पता होगी, यानी कि इस फंक्शन में ये m प्लस मास का जो फंक्शन है वो हमें नॉन है। बस हमें इस v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये पता लग जाए ये ब्लॉक फाइनली आफ्टर कोलिजन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, देन वी कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की देखिए उसको हम डिनोट कर लेंगे ईवन से, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ दिस सिस्टम, एंड द मास ऑफ दिस सिस्टम इज एम प्लस कैपिटल एम, एंड द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम इज वी स्क्वायर। That is our equation number 2. अब ये जो kinetic energy है ये convert हुई है potential में, क्योंकि ये जो block है कुछ height तक rise हुआ है, so potential energy of this system after collision, इस collision का जो impact है उसके बाद जो total जो potential energy आएगी उसको हम E2 से denote कर लेंगे, and the potential energy equal to mgh. The formula for potential energy is mgh, and m total mass of this system is m plus capital M, and g be our acceleration due to gravity, and let h be the height through which the block is rises after collision. That is our equation number 3. So, beta, according to law of conservation of energy, se ki kinetic energy se hi potential energy produce hui hai. To hum likh sakte hain kya? According to
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी, यानी कि E1 इक्वल टू E2, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी E1 इक्वल टू E2, तो यहां से रिजल्ट होगा कि हाफ एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्केयर इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी एच मास, हम कैंसिल कर देंगे एंड वी स्केयर इक्वल टू वी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, वैसे वी स्केयर आएगा 2gh एंड सो वी इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, इसको इस रिजल्ट को हम लिख लेंगे हमारा फोर्थ रिजल्ट। अब ये फोर्थ रिजल्ट जैसे हम फर्स्ट में पुट करेंगे वी आ जाएगा हमारे पास स्मॉल वी जो हमें कैलकुलेट करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इनटू रूट ऑफ 2gh व्हिच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल वेयर स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बुलेट एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ द वुडन ग्लोव एंड h भी दी हाइट, तो सिर्फ आपको h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि स्मॉल m और कैपिटल m फाइनाइट वैल्यू है, पहले से पता हमें g एक्सेलरेशन हम 9.8 लेंगे, सिर्फ h को कैलकुलेट करके कोई भी एक सिस्टम हम यूज कर लेंगे जिससे h कैलकुलेट हो जाए बेटा, और उससे आप v यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकाल सकते हैं जो कि फायर की गई किसी राइफल से। ओके, तो बॉलिस्टिक पेंडुलम ध्यान रखिएगा बेटा ये बेस्ड है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पर, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी स्टिक होकर कॉमन वेलोसिटी से मूव करती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अक्सर कंपटीशन में आ जाते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।